हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैयद सौबान और आप देख रहे हैं जागरण जोश डॉट कॉम। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं आज के करंट अफेयर से, उसका सही जवाब क्या होगा और उससे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कॉमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। दिल्ली के किस उपराज्यपाल ने 18 मई 2022 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? सही जवाब है अनिल बैजल। तो आपको बता दें कि 18 मई 2022 को उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से ये इस्तीफा दिया है और वो नजीब जंग के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल बने थे। अनिल बैजल ने नजीब जंग के इस्तीफे के बाद दिसंबर 2016 में दिल्ली के उपराज्यपाल का पद संभाला था। अनिल बैजल साल 1969 बैच के IAS अफसर थे और वो अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार में केंद्रीय गृह सचिव के रूप में भी सेवाएं दे चुके हैं। अगला सवाल, पंजाब सरकार ने शहीद सैनिकों के परिवार को मिलने वाली मुआवजा राशि को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए करने की घोषणा करी है? सही जवाब है 1 करोड़ रुपए। तो पंजाब सरकार ने हाल ही में ये बड़ा फैसला लिया है जहां पर शहीद सैनिकों के परिवार को मिलने वाली जो मुआवजा की राशि थी वो 50 लाख से अब बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए करने की घोषणा करी है। साथ ही राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि DSR तकनीक इस्तेमाल करने वाले किसानों को 1500 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी, जिसके लिए सरकार ने 450 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। तो कई बड़े फैसले लिए हैं पंजाब CM भगवंत मान ने। अगला सवाल, मुश्फिकुर रहीम कितने टेस्ट रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज बन गए हैं? सही जवाब है 5000 रन। तो आपको बता दें कि तमीम इकबाल को पीछे छोड़ते हुए मुश्फिकुर रहीम ने 5000 टेस्ट रन बना लिए हैं और वो ऐसे बनाने वाले वो पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज भी बन गए हैं। रहीम ने श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट की पहली पारी में 105 रन की अपनी इनिंग्स में जो है ये उपलब्धि हासिल करी है। उन्होंने 5037 टेस्ट रन बनाए हैं, जबकि इसी पारी में 133 रन बनाने वाले तमीम ने 4981 टेस्ट रन बनाए हैं। तो यहाँ पर तमीम को पीछे छोड़ दिया है और मुश्फिकुर 5000 टेस्ट रन बनाने वाले बांग्लादेश के लिए पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अगला सवाल, इंग्लैंड की व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है मैथ्यू मॉट। तो आपको बता दें यहाँ पर कि ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के पूर्व कोच मैथ्यू मॉट को इंग्लैंड की व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। उन्हें 4 साल के अनुबंध पर नियुक्त किया गया है। मैथ्यू मॉट के कार्यकाल में ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम ने लगातार 2 T20 विश्व कप और 1 50 ओवर विश्व कप जीता था। लगातार 26 वनडे जीत का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया था। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। द लैंसेट प्लेनेटरी हेल्थ जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक 2019 में दुनिया भर में प्रदूषण से कितने लाख लोगों की मौत हुई थी? सही जवाब है 90 लाख। तो आपको बता दें कि द लैंसेट प्लेनेटरी हेल्थ जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक 2019 में दुनिया भर में प्रदूषण से 90 लाख लोगों की मौत हुई थी। साल 2000 के बाद अब तक इन आंकड़ों में 55% की वृद्धि हुई है। लैंसेट प्लेनेटरी हेल्थ जर्नल में प्रकाशित एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषण संबंधी कारणों से दुनिया भर में हर साल लगभग 6 में से 1 व्यक्ति की मौत होती है। अगला सवाल, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने किस देश को बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह के उपयोग की पेशकश की है? सही जवाब है भारत। तो आपको बता दें कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने जो है भारत को बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह के उपयोग की पेशकश की है। आपको यहां पर बता दें कि चटगांव बंदरगाह तक पहुँच से भारत के पूर्वोत्तर राज्य में जैसे कि असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम को लाभ होगा। आज़ादी से पहले भारत के पूर्वोत्तर हिस्से में ब्रह्मपुत्र और ब्राक नदी प्रणालियों के माध्यम से चटगांव बंदरगाह तक पहुंची थी। चटगांव बंदरगाह बांग्लादेश का प्रमुख बंदरगाह कर्णफुली नदी पर बनाया गया है। अब वो सवाल जिसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था, ब्राज़ील में समाप्त हुए डेफ ओलंपिक्स में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कितने पदक अपने नाम किए? तो सही जवाब है 17। तो आपको बता दें कि ब्राज़ील में समाप्त हुए डेफ ओलंपिक्स में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कुल 17 पदक
अपने नाम किए हैं। भारतीय दल ने 11 खेल स्पर्धाओं में भाग लेते हुए 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए हैं। यह भारतीय दल का इन विशेष खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। भारत के 65 एथलीट्स के दल ने बैडमिंटन, शूटिंग, कुश्ती, गोल्फ, टेनिस जैसी स्पर्धाओं में पदक जीतने में कामयाबी हासिल की है। अब एक सवाल आपके लिए, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। किस देश के शोधकर्ताओं ने चंद्रमा की मिट्टी पर पौधे उगाए हैं जिसे पृथ्वी पर लाया गया था? ऑप्शंस: जापान, चीन, अमेरिका या पाकिस्तान। जवाब कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और देखते रहिए जागरणजोश.com।